बच्चों, आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको विभिन्न आकार, आकृति, रंग और बनावट वाली वस्तुएं दिखाई देंगी। ये वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं और पदार्थ कणों से बने होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कण आखिर कितने छोटे होते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वह हैं कम से कम 4 से 5 बीकर, एक खाली सिरिंज, ग्लास रॉड और पोटेशियम परमैंगनेट। हमने यहाँ पर 5 बीकर लिए हुए हैं। प्रथम बीकर में 100 ml पानी है और बाकी प्रत्येक बीकर में हमने 90 ml पानी लिया हुआ है। सबसे पहले हमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल, बच्चों बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमें इसे लेना है, और इसे हम प्रथम बीकर जिसमें हमने 100 ml पानी लिया हुआ है इसमें डाल देते हैं और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए हमें एक रंगीन विलयन प्राप्त हो रहा है। इसके बाद इस प्राप्त रंगीन विलयन को हम इस सिरिंज की सहायता से 10 ml इस सिरिंज में हम इसे ले रहे हैं। ये देखिए बच्चों, इस रंगीन विलयन का 10 ml हमने इस सिरिंज में ले लिया है। अब इसे हम अपने दूसरे बीकर जिसमें हमने 90 ml पानी लिया हुआ है इसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए हमारा यह विलयन भी रंगीन हो गया है। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और पुनः इस रंगीन विलयन से 10 ml विलयन सिरिंज में लेते हैं। देखिए ये रंगीन विलयन पुनः 10 ml और अगले बीकर में जिसमें 90 ml पानी है हमने इसे मिक्स कर दिया। पोटेशियम परमैंगनेट का असर हम यहाँ भी देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से 10 ml विलयन हमने सिरिंज में लिया और अगले बीकर में इसे मिला रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स किया। आप देखेंगे कि हल्का रंगीन विलयन हमें प्राप्त हुआ है। एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और इस रंगीन विलयन को हम सिरिंज में 10 ml लेकर अगले बीकर में जिसमें 90 ml पानी है मिक्स कर रहे हैं। और इसकी मात्रा पुनः कितनी हो गई, 100 ml। हल्का रंगीन विलयन हमें पुनः प्राप्त हुआ है। इसे देखने के लिए हमें एक सफ़ेद कागज़ और सादे पानी की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से इसके कलर को देख पाएंगे। सादा पानी हमने साथ में लिया है और इस बीकर में क्योंकि हमें बहुत ही हल्का रंगीन विलयन प्राप्त हुआ है इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक सफ़ेद कागज पीछे बैकग्राउंड में हम ले रहे हैं और इसकी तुलना आप इस सादे पानी के साथ करेंगे तो आपको यहाँ हल्का सा रंगीन विलयन दिखाई देगा। अभी आपने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट के 1-2 क्रिस्टल ने पानी की इतनी अधिक मात्रा को रंगीन कर दिया। तो सोचिए पोटेशियम परमैंगनेट के 1 क्रिस्टल में कितने सारे कण होंगे और वो कितने सूक्ष्म होंगे। वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें और अधिक छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। पदार्थ के ये सूक्ष्म कण 2 प्रकार के होते हैं, अणु और परमाणु। परमाणु एक आधारभूत कण है और परमाणुओं से जुड़कर अणु बनता है। तो बच्चों पदार्थ के ऐसे सूक्ष्म कण जिन्हें और अधिक छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता और जिनसे मिलकर पदार्थ बनता है उसे हम परमाणु कहते हैं।